तो आपके साथ दीपक भदौरिया बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां नदी के पास मिले 3 आईईडी बम। आपको बता दें कि गंगा लूट से 3 किलोमीटर दूर नदी के पास ये बम मिले हैं। नक्सलियों ने ये साजिश पूरी रची थी, पुलिस फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए यह बम प्लांट किए गए थे। हालांकि इन बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है बीडीएस की टीम के द्वारा। नदी के पास ये 3 आईईडी बम प्लांट किए गए थे। तो बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश और फिराक में थे ये नक्सली। हालांकि उन तीनों बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गया पवन दुर्गम। पवन, यहां पर 3 आईईडी बम प्लांट किए गए थे, क्या मकसद था और कैसे इन्हें देखा गया? जी, ये गंगालूर का इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाका है। आज गंगालूर में साप्ताहिक बाजार भी थी और नक्सली लगातार फोर्स को और नुकसान पहुंचाने के लिए उस वैसे इलाकों में आईडी प्लांट करते हैं। ये जो आईडी था ये सीरियल में ये आईडी प्लांट किया गया था, जिससे यदि जवान इसकी जद में आते तो लगातार बड़ा नुकसान उनको हो सकता था। और आपको बता दूं, इस इलाके में इससे पहले भी माओवादी ने आईडी प्लांट की थी, जिसकी जद में कुछ ग्रामीण आ गए थे, कुछ मवेशी आ गए थे और उनकी वहां पे मौत हो गई थी। तो ये मौतों का सिलसिला जो आईडी प्लांट करने के बाद चल रहा है। इसकी सर्चिंग में एक टीम निकली थी, साप्ताहिक बाजार था, नक्सल प्रभावित इलाका है, तो पूरे एरिया को डोमिनेशन करने के लिए टीम निकली हुई थी। उस टीम ने वहां पे उसको बरामद किया और जो बीडीएस की टीम है बीजापुर से बुलाई गई और उसको रिकवर कर लिया गया और उसको निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है। बीजापुर के एसपी दिव्यांग पटेल से हमारी बात हुई, दिव्यांग पटेल से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ये प्रेशर आईडी है या कमांड आईडी है उसकी अभी तक पुष्टि वो नहीं कर रहे हैं। जब उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा और टीम जब वापस आएगी तो उसके बाद ही बता पाएंगे कि ये कौन सा मैकेनिज्म इसमें नक्सलियों ने इस्तेमाल किया था। जी चलिए, शुक्रिया आपका पवन। और आपको बता दें कि यहां पर नक्सलियों की नाकाम करतूत एक बार फिर से देखने को मिली। हालांकि उसे नाकाम कर दिया गया, यहां पर 3 जो बम लगाए गए थे, प्लांट किए गए थे सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए।